कैसे भाई? हाय बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अरे यार वो क्या बात है, आप तो आ गए यार, हमने बुलाया यार, आप आ जाए। चलिए ऑब्वियसली आपने बुलाया, कैसे नहीं आता मैं, क्या बात है। कम हाँ, हेलो मैम। हाय, चाय कॉफी डन? चाय कॉफी डन। मम्मी ने बनाया था मेरे लिए बाजरे की रोटी, ये सब भी खाया मैंने। खाने की बातें हो रही हैं, खाने की बातें हो रही हैं। We only come back to, हम लोग इंडियन है ना। जी जी जी। बाकी घूम फिर के हमारा मतलब ही मतलब पेट पूजा। चल सिग्नल खुल गया। चलो चलो। आपके टाइम पे तो जू सर्कल का सर्कल होता था ना? हाँ डेफिनेटली। हम लोग को खाली सर्कल नहीं मालूम है भाई, आपको मालूम था इधर सर्कल होता था? यहाँ पे तो आना ही मैंने तब शुरू किया जब मैं इंडस्ट्री में आना मैंने शुरू किया। अच्छा, तो यू वर देयर फर्स्ट जू सर्कल? What? There was an actual circle here. अच्छा? I didn't know this. देखने की यहाँ तक अभी तक है। यहाँ पे हुआ करता था। जुहू सर्कल। हमने माँ, जो उसकी माँ ने एक दिन खाना बना के भेजा था, उसकी बातें की हमने। क्या आया था भाई? हाँ भाई, मैम ने बोला अरे तू गुजराती है, तुझे तो आम रस लाना चाहिए, लड्डू लाने चाहिए, ये सारी चीजें। तो मैंने सोचा हाँ भाई, ये तो गुजराती होने पे एक शर्म की बात है कि यार मैं सेट पे कुछ खाना नहीं लेके। मुझे लगा उंधिया उंधिया मंगाया रहेगा। उंधिया 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 मैम बोलते तो डेफिनेटली लाते, वो भी तो आम रस लाए, लड्डू लाए। और आपको पता है उसकी माँ ने क्या लड्डू बनाए थे? योर मदर मेड सम फैब लड्डूज, दे वर सुपर्ब। मैं वापस वापस बोलता हूँ, स्पीड में खत्म हो गए। यू गेट बोर्ड ऑफ सेट का खाना ना, कितना मतलब कितना खाएगा आप? ऑफ कोर्स। तो मैम के घर से भी वापस आए, हम लोग के गुजराती में कहते हैं वाटकी व्यवहार, मतलब आप जो बर्तन देते हो वापस उसको भर के देंगे। मुझे लगता है कि काजल मैम वाले घर पे ऐसा होता होगा। तो क्या आया था वापस? पालक पनीर पूरा भरा हुआ। पालक पनीर बहुत मजा आ गया था। हाँ भाई, पालक पनीर ऐसा यूनिवर्सल से सब्जी है। हाँ। जो आप पराठे के साथ भी खा लो और बच्ची को जी रात को चावल के साथ भी खा लो। बिल्कुल एक नंबर। एब्सोल्युटली यार, चावल के साथ क्या टेस्ट आता है, फुल प्रूफ टेस्ट। वो भी हाथ से। हाँ हाथ से, एक्चुअली ना योर फूड टेस्ट्स डिफरेंट 100%। आई फील लाइक इट डजंट टेस्ट, वो टेस्ट नहीं आता है अगर हाथ से नहीं खाओ तो। मैं तो हैदराबाद में पला बड़ा हूँ, देखो तो। हाँ। मेरे लिए तो हाथ के साथ ही खाने का आइटम समझ में आते हैं मेरे को। बिरयानी, इतनी बिरयानी, पराठा। हाँ। और सफेद मक्खन और यस यस यस। और फिर एक दो महीने मेरी शादी होने के बाद मेरे 8 किलो बढ़ गए 2 महीने में। क्या बात है? क्योंकि रोज सुबह हमारे टेबल पे अलग अलग तरीके के पराठे होते थे। गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी पनीर का पराठा, आलू प्याज, कच्चे आलू का पराठा, नॉर्मल आलू का पराठा। और ये सब पराठों के साथ सफेद मक्खन हुआ करता था। जो हम आई डिडंट नो हाउ टू डाइट एट दैट टाइम। डाइटिंग तो डाइटिंग का डी भी आउट ऑफ दिस विंडो। ऑफ कोर्स आप बोल रहे थे कुछ? मैं क्या बोल रहा था? हाँ मतलब इतना सारा खाने के बाद फिर आई थिंक 2-3 महीने डाइट। मेरे केस में नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं वेट गेन करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट बहुत क्या बात है यार, क्या नसीब। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। नहीं मुझे भी समझ ही नहीं आती, मुझे ऐसे समझ, बिल्कुल मुझे तो ऐसे डोंट फ्लॉन्ट इट कि कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कितना टाइम लगता है आपको वेट पुट ऑन करने के लिए।